फिल्मी स्टाइल में लड़की को बाइक पर टांग कर ले गए घर वाले। छोटू और आरती की प्रेम कहानी के बाद बिहार के अररिया से आई छोटू और रूपा की प्रेम कहानी। बताया जा रहा है कि लड़की दूसरे जाति के लड़के से शादी की थी। उसके इस निर्णय से घर वाले नाराज थे। लड़की रोती चिल्लाती रही, लेकिन घर वाले उसकी एक न सुने, बाइक पर बैठाया और चलते बने। बिहार के अररिया जिले के बथनाहा ओपी क्षेत्र के एक गांव में शनिवार 3 जून को अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। प्रेम विवाह से नाराज लड़की के घर वालों को पता चला तो उन्होंने बाइक पर ही उसको उठाया और लेकर फरार हो गए। इसका वीडियो अब जाकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद मामला सामने आया। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। मामले को लेकर युवक के ससुर ने ऑनर किलिंग के तहत बेटे और बहू के हत्या करने की आशंका व्यक्त करते हुए बथनाहा ओपी में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इसके बाद फारबिसगंज एसडीपीओ खुसरू सिराज और बथनाहा ओपी अध्यक्ष नंदकिशोर नंदन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवती को बरामद किया। बताया जा रहा है कि लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे। 22 वर्षीय युवक टेंट का कारोबार करता है। लड़की के परिजनों को शादी के बारे में पता चला तो सामाजिक स्तर पर पंचायत भी हुई। लव मैरिज से नाराज भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर बहन को पंचायत से उठाया और बाइक पर लेकर भाग गया। युवक के पिता ने आरोप लगाया है कि उनके बाएं हाथ को लाठी से मारते मारते तोड़ दिया गया। उसने कहा कि मुझे लहूलुहान कर दिया गया, मरा हुआ समझकर सड़क किनारे फेंक दिया गया। अज्ञात लोगों ने घायल अवस्था में सड़क पर पड़े होने की सूचना परिजनों को दी, फिर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई। इस बीच युवक और युवती ने सुपौल कोर्ट में शादी कर ली। 3 जून को हुई इस घटना के बाद सूचना के बाद मौके पर बथनाहा थाना अध्यक्ष नंदकिशोर नंदन पहुंचे, मामले की जांच की और अगवा किए गए युवती को सुरक्षित बरामद किया। लड़की को बरामद करने के बाद लड़के वालों को सौंप दिया गया। बिहार के अररिया में छोटू और आरती की कहानी खबरों में थी। अब छोटू और रूपा की कहानी भी खूब सुर्खियां बटोर रही है।